तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर 10th क्लास पास करने के बाद जो बीए जियोग्राफी का जो कोर्स है उसे आखिर कैसे किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्ड्स टच। ना तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बीए जियोग्राफी कोर्स के बारे में। और दोस्तों अगर आपने 10th या 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको यह जानना है कि 10th या 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, तो मैंने उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स का दोस्तों ये डाउट होता है कि हाउ टू डू बीए जियोग्राफी कोर्स आफ्टर 10th क्लास, यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद आखिर बीए जियोग्राफी का जो कोर्स है वो आखिर कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों जो 11th और जो 12th की क्लास है उसे आपको पास करनी पड़ेगी। आप जो 11th और जो 12th की जो क्लास है वो आप किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हो। तो 12th की क्लास को पास करने के बाद ही दोस्तों आपको बीए जियोग्राफी कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर मैं आपसे बीए जियोग्राफी कोर्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूं तो बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। और बीए जियोग्राफी का जो कोर्स है वो एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं, जो कि आज के टाइम में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बीए जियोग्राफी कोर्स के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे कोर्सेस के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें वहां जाकर भी देख सकते हो। तो अंत में दोस्तों अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।